जय सिया राम। प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, एक ऐसा महामंत्र जिसे स्वयं ईश्वर ने देखकर मानव को इस मृत्युलोक में इस धरती पर भेजा। आखिर वो कौन सा महामंत्र है? वैसे तो प्रेमी भक्तों, महामंत्र काफ़ी सारे हैं, भगवान कृष्ण के, राम के, हनुमान जी के, जितने भी देवी देवता, जितने भी भगवान, उनके सबके नाम हैं, उनके सबके मंत्र हैं। लेकिन जो सार मंत्र है, जिसका सार नाम है, वो अंतिम पद भी वही है जो सभी मंत्रों में घुला हुआ है। अर्थात हम यहाँ बात कर रहे हैं आपकी श्वासों का मंत्र, जो श्वासों में रमा हुआ है और चलायमान है। और वो एक ऐसा मंत्र है जो निरंतर चलायमान है, बाकी कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो बोलने से बोला जाता है, यानी निरंतर बोला गया। ये मंत्र ऐसा है जो निरंतर बोला जाता है, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर भी आप मानो तो ये निरंतर चलता है। आप कभी भी नोट करना, जो आपके श्वासों का मंत्र है, अर्थात जो श्वासों में रमाया हुआ है सोहम मंत्र, मैं यहाँ सोहम मंत्र की बात कर रहा हूँ, जो सोहम है, सोहंग है, सोहंग भी कह सकते हैं, सोहम भी कह सकते हैं, सोह भी कह सकते हैं आप, जैसा आपको सुनाई, जैसा आपको स्वयं को सुनाई दे और जैसा आपको प्रतीत हो। प्रिय भक्तों, आप जब भी ध्यान करें तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दें कि जो सोहम मंत्र, जिसकी आवाज़ अपने श्वासों में रमी हुई है, उस पर विशेष ध्यान दें। और ये परमात्मा ने स्वयं दे के भेजा है, आप इसे गुरु मंत्र कह लीजिए या गूढ़ ज्ञान कह लीजिए, गुप्त ज्ञान कह लीजिए। ये बहुत ही कम लोग जान पाते हैं कि दरअसल में, वास्तविकता में, कि इस मानव जीवन से मुक्ति पाने का क्या साधन है। तो मित्रों, भक्तों, ये एकमात्र साधन बताया गया है जिसे आप जप के सिद्ध करें और इस मंत्र का मंथन करें, जितना हो सके उतना इस पर ध्यान लगाएं, और मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो सिर्फ यही होना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति। तो आप इसमें आज से ही लग जाए और जितना हो सके इस मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करें, अपना आप में रमा लीजिए और इस पर ध्यान करें, और आपको बड़ी से बड़ी समस्या है आपकी, आपका बड़ी से बड़ी कैसी भी इच्छा हो, संपूर्ण पूर्ण हो जाएगी उसी समय। प्रिय भक्तों, आप जितना हो सके इसको शुरुआत में आप 10 मिनट 15 मिनट, भले ही आपको शुरुआत में थोड़ा लंबा समय लगेगा, क्योंकि आपका ध्यान एकाग्रचित नहीं होगा उस समय, आपका ध्यान बार बार टूटेगा, किसी और चीज़ पर जाएगा, सांसों पर नहीं रहेगा, कभी किसी और चीज़ पर जा रहा है। तो ये होगा वास्तविकता में सभी जो शुरुआती दौर पर हैं या फिर कोई काफ़ी लंबे समय से आ रहे हैं, उनका भी टूट जाता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रभु जी में हमारे ये क्या ध्यान करते हैं जो ये ध्यान टूटता है। देख, वास्तविक बात है कि जब आप ध्यान लगेंगे तो टूटना तो वास्तविक बात, मगर आप में जब निरंतरता आने लग जाएगी, आपका ध्यान किसी एक चीज़ पर होने लग जाएगा, तो आप क्या उस मंत्र में रमा जाएंगे। और ये एक ही मंत्र है सोहंग मंत्र, जिसमें आप अपने श्वासों का ध्यान करके उस प्रभु प्राप्ति को प्राप्त हो। अब प्रभु भी प्राप्ति नहीं, वो आपके सामने स्वयं प्रकट होंगे, आपको दृष्टांत देंगे, स्वयं आपको पता चल जाएगा कि सत्य है क्या। उसी समय आपको आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाएगी और आप सत्य और असत्य का आपको भली भांति ज्ञान हो जाएगा। इसके संसार में आप किस उद्देश्य से आए हो और क्या करना है आपको, आपको पूर्ण रूप से इस चीज़ का आपको ज्ञात हो जाएगा उसी समय। प्रिय भक्तों, इसको इतना कीजिए कि आपकी इतनी अच्छी आदत बन जाए कि आपको 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 9 घंटे हो जाते हैं। प्रिय संत, जो संत महात्मा है, जो शुरुआत, जिनकी शुरुआत ही यहीं से करते हैं, जो संत महात्मा
सात आठ 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 घंटे, दो दो घंटे, 16-16 घंटे बैठे रहते हैं, बिना हिले डुले, पानी बिना खाना खाए हुए एक ही जगह, तो वो कैसे कर लेते हैं ये चीज़ें? तो कुछ चीज़ें हैं संतों, कुछ गूढ़ ज्ञान है जो उन्हें ज़रूर पता है, आपको भी पता चले, तो आप भी ऐसा करते रहें ताकि आपको भी उस परम पिता परमेश्वर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो और आप भी उस पारलौकिक जीवन में जाने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो जहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता। तो प्रिय भक्तों, आज तक आज इतना ही विराम देते हैं अपनी वाणी को, और आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी नाम मात्र भी कुछ समझ में आया हो, तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो, और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, आपका सहयोगी। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम प्रिय भक्तों।